हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका इस यूट्यूब चैनल पे। पिछली वीडियो में आपका जो सपोर्ट और रिस्पांस मिला है उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। उससे हमारा काफ़ी मोटिवेशन हुआ। चलिए क्लास शुरू करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर थर्ड आप देख रहे हैं। हमको सबसे पहले क्वेश्चन को बहुत ढंग से पढ़ना, उसके बाद हम जो है क्वेश्चन को आगे अप्रोच करेंगे, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। देखिए क्वेश्चन जो बोल रहा हमसे कि इन ट्राइंगल एबीसी राइट एंगल एट बी। अब बात को ध्यान से समझना है कि जो एक ट्राइंगल एबीसी है उसमें राइट एंगल कहां पर है, बी पर है। इफ ए बी इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर एंड बी सी इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर है तो हमको कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फाइंड करने हैं, ठीक है। देखिए सबसे पहले हमें क्या करना है, सबसे पहले जो हमारी डिमांड है वो क्या है, क्वेश्चन को क्वेश्चन का ट्राइंगल बनाना है। जो ट्राइंगल है उसका ट्राइंगल बनना चाहिए हमारा। तो ट्राइंगल क्या है, क्वेश्चन बोल रहा है कि ट्राइंगल इन ट्राइंगल एबीसी, ध्यान से सुनना है, ट्राइंगल एबीसी राइट एंगल एट बी, मतलब कि ट्राइंगल एबीसी में राइट एंगल कहां पर है भैया, राइट एंगल आपका बी पर है। तो ए और सी जो है हम कहीं पर भी रख सकते हैं। तो इन ट्राइंगल एबीसी राइट एंगल एट बी इफ ए बी इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर। क्या बोला, ए बी इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर एंड बीसी इक्वल टू कितना है 5 सेंटीमीटर। बीसी कितना है भाई 5 सेंटीमीटर। हमारे पास दो साइड है ट्रायंगल की, एबी और बीसी। एबी इक्वल टू 12 सेंटीमीटर और बीसी इक्वल टू कितना है 5 सेंटीमीटर। तो हमको कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फाइंड करने हैं। देखिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले इन ट्रायंगल एबीसी राइट एंगल एट बी, मतलब ट्राइंगल एबीसी में राइट एंगल कहां पर है भैया, राइट एंगल आपका जो है बी पर है। तो हमको क्या करना है आगे, हमारी सबसे पहली प्रायोरिटी क्या होनी चाहिए, यदि हमारे पास दो साइड्स हैं तो हम सबसे पहले थर्ड साइड फाइंड करेंगे। क्या करेंगे, थर्ड साइड फाइंड करेंगे। कैसे, देखिए आप जानते हैं हम क्या यूज करते हैं उसके लिए, पाइथागोरस थ्योरम। अब पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है, आपको पता होना चाहिए इस बात का, यूजिंग पीजीटी। क्या होता है पाइथागोरस थ्योरम का मतलब, हाइपोटेनियस जिसे हम हिंदी में कर्ण बोलते हैं, हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। क्या है पीजी पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम हमारी है क्या, हाइपोटेनियस कर्ण, हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, ठीक है। चलिए अब देखिए आगे, हाइपोटेनियस हमारे पास क्या है, हम जानते हैं हाइपोटेनियस साइड कैसे होता है, हाइपोटेनियस जो है वो राइट एंगल के सामने की साइड होती है। तो क्या हो जाएगा भैया हाइपोटेनियस एसी, तो क्या हो जाएगा ये एसी का स्क्वायर बराबर, अब देखिए परपेंडिकुलर और बेस जो फिक्स तो है नहीं तो हम उसे कुछ भी मान सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो मान लीजिए परपेंडिकुलर हमने क्या मान लिया, ए बी का स्क्वायर और बेस मान लिया बी सी का स्क्वायर। यहां तक की बात बिल्कुल क्लियर है ना। चलिए अब देखिए एसी हमको दिया नहीं, तो एसी को एज इट इज हमने यहां पे ऐसे रखना है। और ए बी, ए बी देखिए आप, ए बी कितना दिया है 12 का स्क्वायर, ए बी 12 का स्क्वायर, 12 का स्क्वायर हो जाएगा। बी सी कितना दिया है, बी सी दिया आपका 5 का स्क्वायर। तो 12 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 144 और 5 का हो जाएगा भैया आपका 25। दोनों को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 169 हो जाएगा, ठीक है ना। 4 और 1 और एसी का स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए जब यहां से स्क्वायर हटता है तो आप जानते हैं क्या होता है, इक्वल टू दोनों साइड कितना लग जाता है, अंडर रूट लग जाता है। और आप जानते हैं कि अंडर रूट जो है 169 किसका होता है, 13 का होता है। तो हमारे पास जो थर्ड साइड है वो क्या आ गई है, हमारे पास थर्ड साइड क्या आ गई भैया, हमारे पास थर्ड साइड आ गई 13 सेंटीमीटर। यहां तक की बात बिल्कुल क्लियर है ना। चलिए अब हमारे पास ट्राइंगल की तीनों साइड आ चुकी है, हमारे पास ट्राइंगल की तीनों साइड आ चुकी है। अब हमने क्या करना है, हमको जो कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज है उनको निकालना है। क्या, देन देयरफॉर अब देखिए क्या करता है, हमसे पहले क्या पूछा, पहले क्वेश्चन में पूछ रहा है साइन ए एंड टेन ए, मतलब साइन ए को पूछ रहा है और इसे पूछ रहा है टेन ए को, ये बात। अब आप जानते हैं लास्ट पिछली वीडियो में मैंने आपको इस चैप्टर से इस सारे क्वेश्चनों से रिलेटेड इंपॉर्टेंट सारे कंसेप्ट समझा दिए, तो आपको अगर यहां पर जो फॉर्मूले है उनका ध्यान रखना तो आपको लास्ट वीडियो को अच्छे से देखना पड़ेगा, ठीक है। तो लास्ट वीडियो में क्या लिखाया था मैंने आपको बताइए, यहाँ पे टेबल बनवाई थी उसमें क्या बोला था मैंने, पी बी पी एच एच बी, पी अपॉन एच होता है साइन का, बी अपॉन एच होता है आपका किसका, कॉस का, और पी अपॉन बी किसका होता है, पी अपॉन बी होता है भैया आपका
टेन का, साइन का उल्टा कॉस है, कॉस का उल्टा सेक और टेन का उल्टा कॉट। तो ये बात तो आपको क्लियर है बिल्कुल। अगर यहां की बात क्लियर समझ आ चुकी है तो हमको एक बात ध्यान रखनी है, क्या साइन क्या होता है, पी अपॉन एच, क्या हो जाएगा भैया, पी अपॉन एच। अब बोला क्या है इसने, साइन ए। अब इसने जाकर क्वेश्चन ने जो हमको ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हमारे पास क्या है, एंगल, हम मान लेते हैं ए से इसको क्या मान लेते हैं, थीटा। अब जो गिवन एंगल है, गिवन एंगल की अपोजिट साइड हमेशा क्या हो जाती है, परपेंडिकुलर, और बची हुई अपने आप क्या हो जाएगी, बेस। और ये आप ऑलरेडी जानते हैं कि राइट एंगल के सामने की साइड हमेशा क्या होती है, हाइपोटेनस। तो अब आपको यहां पर साइड को पहचानने में दिक्कत बिल्कुल भी नहीं आएगी, क्या हो जाएगा, पी अपॉन एच। तो पी अपॉन एच क्या, देखो ये गिवन एंगल है, गिवन एंगल के अपोजिट साइड क्या, परपेंडिकुलर, तो परपेंडिकुलर क्या, फाइव, और एच क्या है, थर्टी। तो पी अपॉन एच क्या हो जाएगा आपका, थर्टी, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। अब बोला टेन, टेन ए क्या हो जाएगा, देखना है यहीं से एंगल, तो क्या है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो पी अपॉन बी क्या हो जाएगा, फाइव अपॉन ट्वेल्व। तो हमने जो है दो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज निकाल दिए। बाकी क्या पूछा है क्वेश्चन है, कॉस सी। बाकी क्वेश्चन है क्या पूछा, आगे आगे पूछा है क्वेश्चन है अब कॉस सी एंड कॉट सी पूछा है। इस बात को बड़ा ध्यान से हमें समझना होगा, क्या है देखो, अब एंगल जो है, अगर एंगल सी बोल दिया तो हमको जो एंगल कंसिडर करना है वो ए से ना करके हम कहां से देखेंगे भैया, सी से। अब जब हम एंगल सी से देखेंगे तो क्या है, तो हमारा परपेंडिकुलर बेस फिर क्या हो जाएंगे, चेंज, क्योंकि गिवन एंगल के सामने की साइड क्या हो जाती है, ये हो जाती है भैया आपका परपेंडिकुलर, और उसकी साथ की साइड हो जाती है बेस। तो हमारा परपेंडिकुलर बेस थोड़ा क्या हो गया, चेंज हो गया एंगल सी के आने पर। अब देखिए सी क्या है, सी देखिए कॉस सी बोल रहा है, कॉस क्या है, बी अपॉन एच, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। आपको बार बार फॉर्मूले लिखने पड़ेंगे तभी जाके आपको क्वेश्चन को थोड़ा अप्रोच कर पाएंगे, ठीक है ना। तो बी अपॉन एच में क्या है, गिवन एंगल के सामने परपेंडिकुलर, तो ये क्या हो जाएगा, बेस, तो 5 अपॉन 13। तो आपका कॉस क्या आ रहा है, 5 अपॉन 13। और कॉट आप जानते हैं 10 का अपोजिट होता है, 10 क्या है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो कॉट क्या हो जाएगा, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, ठीक है ना। तो बी अपॉन पी, ठीक हो गया। अब बी क्या, बेस अपॉन परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा, देखो ये परपेंडिकुलर है, बेस, तो बी अपॉन पी बोला मैंने, तो 5 अपॉन 12, ये आपका आ गया 5 अपॉन 12। तो ये आपका एक क्वेश्चन को इस तरह से आप सॉल्व करेंगे, ये आपका कंप्लीट क्वेश्चन नंबर थर्ड हो गया, ठीक है। चलिए अब करते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, डियर स्टूडेंट्स, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 है। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, साइन ए इक्वल टू है 3/5 कॉमा, फाइंड करना है आपने कॉस ए एंड टेन, ठीक है ना। आपको मैं एक बात बताता हूँ, क्वेश्चन जो आपका होता है, हर एक क्वेश्चन अगर स्टेप बाय स्टेप क्या होता है, थोड़ा सा क्वेश्चन में कुछ ना कुछ ऐड होता रहता है। तो क्वेश्चन बहुत इजी क्वेश्चन है, थोड़ा सा इसको क्या कर दिया, हल्का सा ट्विस्ट कर दिया। कैसे, देखिए आप मेरी बात ध्यान सुनिए, लिखा है कि इफ साइन ए इक्वल टू है आपका क्या है भैया, 3/5। अब आप एक मेरी बात समझिए ध्यान से, ये क्या है, रेशियो दिया है, क्या दिया है, साइन ए इक्वल टू 3/5। तो आपको यह समझना होगा कि आपको यहाँ पर ट्राइंगल की तीन साइड निकालनी है, क्योंकि आपको रेशियो चाहिए। तो आप क्या करेंगे, तो मेरे राइट एंगल ट्राइंगल बनाएंगे, क्या बनाएंगे, राइट एंगल, ठीक है ना। अब क्वेश्चन क्या बोला, देखो इफ साइन इज इक्वल टू 3/5, क्या है, साइन इज इक्वल टू 3/5। तो आप देखिए एंगल ए के फॉर्म में मैंने ट्राइंगल एबीसी ले लिया है, अगर यहाँ पे पी लिखा होगा तो मैं पी क्यू आर लेता, कुछ भी ले लेता, उसको कोई दिक्कत नहीं है। अब साइन होता क्या है, आपको मैंने टेबल में क्या बताया उस टाइम पे, कि साइन होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। इसका मतलब हम ये नहीं समझ सकते हैं कि परपेंडिकुलर किसके इक्वल है, 3 के इक्वल है, और हाइपोटेनियस किसके इक्वल है, 5 के इक्वल है। अब ये है तो रेशियो, जब इनको अलग करते हैं तो इनके साथ k लगा देते हैं, k या x आप कुछ भी लगा सकते हैं। देखिए अगर परपेंडिकुलर 3 है तो मान लीजिए अभी गिवन एंगल भी फिक्स नहीं है, तो मैंने एंगल कहां से लेट कर लिया, अपने एंगल ले लिया ए से ले लिया है, तो एंगल ए से लिया, राइट एंगल के सामने अपने आप क्या होता है, तो आप जानते हैं हाइपोटेनियस, गिवन एंगल के सामने की साइड क्या होती है, परपेंडिकुलर, और बची हुई साइड अपने आप क्या हो जाएगी, बेस। तो आप जानते हैं क्या परपेंडिकुलर क्या है भैया, 3। हम क्या ले लेंगे इसको, परपेंडिकुलर ले लेंगे हम क्या, 3 के ले लेंगे, क्या ले लेंगे, 3 के, और हाइपोटेनियस क्या दिया है, 5, इसको क्या लेंगे, 5 के। अब आप बोल रहे होंगे कि के क्यों लिया गया, कि इसलिए लिया, कि रेशियो खुला है, क्योंकि रेशियो में है अभी, ये साइड फिक्स नहीं है, तो हमको पता नहीं है कितने टाइम्स है इससे, ठीक है। चलिए अब अगर हमारे पास दो साइड आ चुकी है तो हम थर्ड साइड निकालने के लिए क्या करेंगे, हम थर्ड साइड निकालेंगे फिर से पीजीटी ही लगाएंगे। चलिए इन ट्राइंगल ए बी सी राइट एंगल एट बी यूजिंग पीजीटी यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। और क्या है भैया पाइथागोरस थ्योरम, आप जानते हैं
कई बार बता चुका हूँ, हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। तो आपको जो जो साइड दी है आप उनकी वैल्यू यहाँ पर रखिए और जो निकालिए उसको निकालिए। हाइपोटेनस कितना है 5k, तो इसका स्क्वायर और बेस गिवन एंगल के सामने अगर परपेंडिकुलर तो ये क्या हो जाएगा बेस, और बेस को हमने क्या माना है ए बी प्लस परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा 3k का स्क्वायर। तो इसका मतलब हमको बेस निकालना, तो हाइपोटेनस 25, 5 का स्क्वायर 25, के का स्क्वायर के स्क्वायर, ए बी स्क्वायर को रहने दीजिए स्क्वायर से, और 3 का स्क्वायर 9 और के स्क्वायर के स्क्वायर। अब आपको ए बी की वैल्यू तो आप इसको प्लस से यहां इसमें ले आएंगे माइनस में, 25 के स्क्वायर माइनस 9 के स्क्वायर, और यहां पे ए बी का होल दोनों में के स्क्वायर कॉमन ले लीजिए और 25 में से 9 घटाइए कितना आ जाएगा, आ जाएगा 25 में से 9 घटाने में आपका 16 के स्क्वायर आ जाएगा, क्या आ जाएगा 16 के स्क्वायर और ए बी का स्क्वायर। स्क्वायर हटाने से यहां पे क्या चढ़ता है ये तो आप जानते हैं, रूट चढ़ता है, तो 16 के स्क्वायर इक्वल्स टू ए बी, 16 होता है 4 का रूट और के स्क्वायर का रूट क्या हो जाएगा के स्क्वायर, किसका रूट है के का, तो आपकी थर्ड साइड निकल गई ए बी, थर्ड साइड निकल गई आपकी 4k, क्या निकल गई भैया थर्ड साइड आपकी क्या निकल गई 4k। अब आपके पास तीनों साइड है तो आप कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो यहां से क्या कर सकते हैं फाइंड कर सकते हैं। हमें करना क्या है फाइंड, देखिए देयरफॉर हमें फाइंड करना है आपका कॉस ए और टेन ए, ठीक है। तो देखो भैया कॉस ए क्या होता है गिवन एंगल के सामने परपेंडिकुलर, ये बेस और ये हाइपोटेनस, तो कॉस क्या होता था बेस अपॉन हाइपोटेनस। आपको पिछली वीडियो को ध्यान से देखना पड़ेगा तभी आपको ये लेक्चर सही से समझ में आएगा। तो बेस अपॉन हाइपोटेनस, देखिए ये परपेंडिकुलर था ये बेस, तो बेस क्या है 4k अपॉन हाइपोटेनस क्या है भैया 5k, के से के कैंसिल तो रेशियो क्या आ गया इसका 4/5, टेन ए देखिए क्या है परपेंडिकुलर अपॉन बेस 3k/4k, के से के कैंसिल तो क्या आ गई वैल्यू 3/4, तो ये आपका क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट जो है उसका सॉल्यूशन आ गया, ठीक है ना। चलिए अब क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं, ठीक है चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 है। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में रेशियो पे ये बस थोड़ा सा चेंज कर दिया है, क्या 10 के साथ 3 ले आया, मतलब और टाइम क्या था 4/5 4/6 जो भी है उसको अब यहां कहां मल्टीप्लाई में ले आया, तो हमको बस इतना ही करना है कि इसको मल्टीप्लाई से डिवाइड में लाना है। क्या देखो 3 tan θ = 4, देन हम क्या कर सकते हैं यहाँ पे tan θ = ये मल्टीप्लाई में है। अब एक बात आपको हमें बेसिक बताता हूँ, क्या tan थीटा ये कभी भी आपस में प्रोडक्ट इनका नहीं होता है, आगे भी इससे इसका इससे प्रोडक्ट हो है लेकिन इससे इसका प्रोडक्ट बिल्कुल भी नहीं, ये बात आप बिल्कुल ध्यान में रखिएगा। ये है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो किसका गिवन एंगल का, ये बात आपको बिल्कुल ध्यान में रखनी है। तो ये मल्टीप्लाई से किसमें आ जाएगा, ये भी मल्टीप्लाई में मान लीजिए तो किसमें आ जाएगा डिवाइड में आ जाएगा, तो हमारे पास क्या आ गया ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो आ गया। बाकी सारे क्वेश्चन मैं लैंग्वेज से करा चुका हूँ आपको, अब मैं आपको क्वेश्चन थोड़ा तेजी से कराऊंगा। और क्वेश्चन क्या देखो tan थीटा क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, हम जानते हैं क्या है वही राइट एंगल ट्रायंगल बनाएंगे आप, वही PQR ABC कुछ भी नाम लीजिए कोई फर्क नहीं पड़ता उससे, ठीक है। अब हमने गिवन एंगल मान लीजिए पीछे मान लिया थीटा, तो आपको पता है गिवन एंगल जो है उसके सामने साइड परपेंडिकुलर होती है और इसके सामने की साइड जो होती है बेस होती है और सामने राइट एंगल के सामने साइड हाइपोटेनस होती है। तो tan थीटा जो है tan थीटा में परपेंडिकुलर जो पे क्या रखना है हमने 4 रखना है, क्या रखना है 4k, और ये k से लगा रहा हूं आपको मैंने पीछे बता दिया है, और 3 कहां पे रखना है हमने बेस पे रखना है, ठीक है। तो हमारी प्रायोरिटी क्या, दो साइड हमारे पास, हमने क्या निकालना है थर्ड साइड निकालनी है। तो क्या करते हैं वही इन ट्राइंगल ABC राइट एंगल एट क्यू इन ट्राइंगल PQR, सॉरी इन ट्राइंगल PQR राइट एंगल एट क्यू यूजिंग PGT यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, क्या है वही बता, पता है आपको ये बात हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। देखो क्या होता है हाइपोटेनस ये है, हाइपोटेनस दिया नहीं है तो हाइपोटेनस को मान लेंगे PR का स्क्वायर इक्वल टू बेस, गिवन एंगल के सामने परपेंडिकुलर तो बेस ये है 3k का स्क्वायर प्लस 4k का परपेंडिकुलर 4k है 4k का स्क्वायर 3 का स्क्वायर 9 k का स्क्वायर k स्क्वायर 4 का स्क्वायर 16 k का स्क्वायर k स्क्वायर 9 प्लस 16 क्या होता है 25 के स्क्वायर और PR का स्क्वायर PR क्या होगा यहाँ पर अंडरूट चल जाएगा 25 के का स्क्वायर 25 किसका स्क्वायर होता है 5 का और के स्क्वायर किसका होता है k का, तो हमारी थर्ड साइड क्या निकल गई
हमारी थर्ड साइड निकल गई आपकी 5k, तो इसका मतलब हमारी क्या आ गई 5k। अब हमारे पीछे एक स्टूडेंट ने कमेंट में पूछा था कि पाई जो ट्रिपलेट है उसके बारे में बताओ, तो पाइथागोरस ट्रिपलेट होता है उसके बारे में आपको मैं जो है एक अलग सी वीडियो में समझा दूंगा। ट्रिपलेट में क्या होता है कि आप सीधे दो साइड आपको पता थर्ड साइड सीधे निकाल सकते हैं, उसका एक फॉर्मूला होता है, ठीक है ना, तो उसमें आपको समझा दूंगा। अब देखिए आगे पी आर इजिकल्स टू 5k हमारी थर्ड साइड निकल चुकी है, हमको क्या चाहिए, हमको जो चाहिए हम निकालते हैं देयरफॉर हमें निकालना है, पहले हमको देखना है कौन से डिनोमिनेटर की जरूरत पड़ने वाली है, एक कॉस थीटा चाहिए और एक साइन थीटा चाहिए, तो हमने क्या करना है, देखो हमने निकालना है कॉस थीटा और केवल साइन थीटा। कॉस थीटा होता है हमारा बेस अपॉन हाइपोटेनस और साइन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। कॉस थीटा बेस अपॉन हाइपोटेनस 3k अपॉन 5k और केसे के कैंसिल तो क्या आ गया रेशियो 3/5 और साइन थीटा क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस 4k अपॉन 5k केसे के कैंसिल क्या आ गया 4/5 तो साइन थीटा कॉस थीटा हमारा ऑलरेडी क्या हो चुका है फिक्स हो चुका है। अब हमको निकालना है क्या वैल्यू निकालनी है, क्या है देखो 4 into cos थीटा की वैल्यू क्या निकाली है हमने 3/5 माइनस साइन थीटा क्या है 4/5 ठीक है अपॉन 2 into cos थीटा की वैल्यू क्या है 3/5 जो वैल्यू हमने निकाली है उसको जहां जहां पर जरूरत है पुट करते रहे हैं प्लस साइन थीटा की वैल्यू है 4/5 आगे देखिए 4 × 3 = 12/5 ये इसको मल्टीप्लाई कर रहा है इसके जगह 1 है और 5 × 1 = 5 हो गया -4/5 अपॉन 2 × 3 = 6/5 प्लस 4/5 अब ऊपर एलसीएम लेंगे 5 आ जाएगा और 12 - 4 अपॉन यहाँ पर भी एलसीएम लेंगे 5 आ जाएगा 6 + 4 डिनोमिनेटर सेम है कट जाएंगे क्या होता है 12 - 4 क्या होता है 8 और 6 + 4 क्या होता है 10 इसको और छोटा कर लेते हैं और डिवाइड कर लेते हैं 2 से 4 और 5 तो ये हमारा आंसर है ठीक है। चलिए क्वेश्चन नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर देखिए भैया क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 है ये भी बिल्कुल पिछले लास्ट क्वेश्चन की तरह से बस थोड़ा सा क्वेश्चन को एक स्टेप बढ़ा दिया गया है क्या है इफ कोसेक ए इक्वल्स टू 2 तो फाइंड द वैल्यू ऑफ 1/10a और sin 1/10a प्लस sin/1 + cosec इसकी वैल्यू आपको फाइंड करनी है। अब आपको पता है कि cosec a इक्वल्स टू 1/2 अब ध्यान से सुनिए मेरी बात क्या है cosec a इक्वल्स टू 2 है जिसके नीचे कुछ ज्यादा उसके नीचे क्या होता है भैया एटलीस्ट 1 होता ही ठीक है ना तो cosec a इक्वल्स टू 2/1 हो जाएगा ठीक है ना। अब देखिए 2/1 है इसका मतलब cosec क्या होगा sin का अपोजिट sin क्या था परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस तो cosec क्या हो जाएगा हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर इसका मतलब क्या है हमारे पास इस रेशियो के थ्रू दो साइड आ गई है हम क्या करेंगे एक ट्रायंगल बनाएंगे ट्रायंगल का नाम अगर एंगल ए है तो हम ट्रायंगल एबीसी ले लेते हैं और राइट एंगल कहां ले लेते हैं बी पे ले लेते हैं ठीक है और हाइपोटेनस कितना बोल रहा है क्वेश्चन 2 बोल रहा है तो गिवन एंगल के सामने जा रहा है हाइपोटेनस तो हाइपोटेनस कितना हो गया 2k और परपेंडिकुलर कितना हो जाएगा 1 तो मान लीजिए अगर गिवन एंगल थीटा यहां पे मान लेता हूं तो परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा 1k कोई दिक्कत नहीं है। अब हमको यहां पे थर्ड साइड फाइंड करनी है तो हम क्या लगाएंगे हम लगाएंगे पाइथागोरस थ्योरम ठीक है ना। चलिए इन ट्राइंगल ए बी सी राइट एंगल एट बी यूजिंग पीजीटी यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम ठीक है वही हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल्स टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर तो गिवन एंगल के सामने जो है राइट एंगल के सामने क्या होता है हाइपोटेनस 2k का स्क्वायर और बी गिवन एंगल के सामने क्या होता है साइड जो होती है सामने की साइड होती है परपेंडिकुलर और साथ ही बेस तो बेस को पता नहीं बेस को क्या मान लेते हैं ए बी तो बेस निकालना है इसका मतलब और परपेंडिकुलर जो है k का स्क्वायर तो 2k का स्क्वायर 4k स्क्वायर हो जाएगा ए बी स्क्वायर हो जाएगा प्लस k स्क्वायर हो जाएगा 4k स्क्वायर ये प्लस k स्क्वायर यहाँ क्या हो जाएगा माइनस का k स्क्वायर और ए बी का होल स्क्वायर 3k स्क्वायर और ए बी यहाँ पे क्या आ जाएगा रूट आ जाएगा √3 रहेगा और k क्या हो जाएगा k स्क्वायर इसका रूट होता है k का तो थर्ड साइड क्या आ गई √3k आ गई क्या आ गई थर्ड साइड भैया √3k
सही है ना। अब देखिए हमारे पास फ्रैक्शन आ गई है, तो हम क्या करेंगे, हम क्या करेंगे, हमको जो वैल्यू निकालनी है सॉल्व करते हैं। क्या क्या चीज़ होंगे, एक तो टेन एच ही और एक साइन एच और कॉस एच ही। तो देन हमें पहले साइन एच ही, फिर चाहिए हमें कॉस ए, और हमको और भी क्या चाहिए, तीसरा रेशियो चाहिए था टेन। देखिए यहाँ से साइन होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, कॉस होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस, और परपेंडिकुलर क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, और इसका एक फॉर्मूला होता है साइन ए अपॉन कॉस ए भी जो है टेन के इक्वल होता है। कैसे, देखिए साइन होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस और कॉस होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस, डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर कैंसिल, तो क्या बचा p अपॉन बी, तो हमारा टेन भी यहाँ से निकल जाता है। देखो क्या होगा, p अपॉन एच गिवन एंगल के सामने p अपॉन एच, तो 1 अपॉन k अपॉन 2 के क्या हो जाएगा 1 अपॉन 2। cos cos कैसे निकलता है, b अपॉन एच, तो रूट थ्री, रूट थ्री के अपॉन 2 के, k से के कैंसिल, क्या हो जाएगा रूट थ्री अपॉन 2। और थर्ड है क्या, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो गिवन जो है एंगल उसके सामने परपेंडिकुलर और बेस, के अपॉन रूट थ्री के, केसी के कैंसिल, तो वैल्यू आएगी 1 अपॉन रूट थ्री। अब ये वैल्यू को जो हमको जहाँ पे वैल्यू निकालनी है, ये रेशियोज की वैल्यू वहां पर पुट करते हैं, क्या देयरफॉर क्या होगा 1 अपॉन टेन क्या आ रहा है 1 अपॉन रूट थ्री प्लस साइन क्या है 1 अपॉन 2 अपॉन 1 प्लस कॉस क्या है देखो रूट थ्री अपॉन 2, कॉस क्या आ रहा है रूट थ्री अपॉन 2, ठीक है। अब देखो जिसके नीचे कुछ उसके नीचे वन लेट कर लेते हैं, और ये a अपॉन b डिवाइड c अपॉन d, मतलब क्या है देखो a अपॉन b अपॉन c अपॉन d, हम क्या कर लेते हैं a को d से मल्टीप्लाई है और b को c से, तो क्या होगा रूट थ्री इंटू वन रूट थ्री हो जाएगा, और 1 इंटू 1 1 ही रहेगा, प्लस यहाँ देखो 1 अपॉन 2 रहने दीजिए, नीचे ले लेते हैं एलसीएम पहले 2, तो जब आप 2 पे के एलसीएम लेते हैं यहाँ पे 2, तो क्या आ जाएगा 2 प्लस एलसीएम आपको आना चाहिए, 2 से 2 डिवाइड हो तो 1 बचा, तो क्या आएगा 2 प्लस रूट 3 आ जाएगा। अब यहाँ पर भी वही a इंटू डी और b इंटू सी, तो रूट 3 अपॉन 1 प्लस ऊपर 2 आ जाएगा डिवाइड के नीचे क्या आ जाएगा 2 इंटू 2 प्लस रूट 3। अब देखिए भैया नीचे इनका एलसीएम लेते हैं, क्या आ जाएगा 2 इंटू 2 प्लस रूट 3 और क्रॉस मल्टीप्लाई आ जाएगा, क्या आ जाएगा देखो रूट थ्री इंटू 2 रूट 3 इंटू 2 प्लस रूट 3 प्लस 2, यह इसका जो है एक्सप्रेशन आगे को और भी आगे बढ़ा सकते हैं जितना आप चाहें, तो रूट 3 2 प्लस रूट 3 प्लस 1 इसको आगे ऐसे अपॉन 2 प्लस रूट 3, 2 से 2 कैंसिल, जो ये एक्सप्रेशन बचेगा रूट 3 2 प्लस रूट 3 प्लस 1 अपॉन 2 प्लस रूट 3 आपका आंसर है, ठीक है। तो देखिए आप ये एक्सप्रेशन आप कितने आगे बढ़ा सकते हैं, आपको यहाँ पे कैलकुलेशन बनानी है अपनी बढ़िया, आपको मेन जो कंसेप्ट मैंने बताया था प्रॉपर तरीके से क्वेश्चन का कंसेप्ट समझा दिया आपको, यहाँ पे इसको आगे को जितना भी आप जितनी वैल्यू आपसे पूछ सकता है जितना अच्छे से आप एक्सप्रेस कर सकते हैं उतना इसको आगे को बढ़ा देंगे। चलिए क्वेश्चन नेक्स्ट। और डियर स्टूडेंट मैं आपसे एक बात और कहना चाहूँगा कि हमने ये जो वीडियोस आपके लिए सब बनाई हैं, ये सब वीडियोस आपके लिए इसलिए बनाई है क्योंकि आप जो है आजकल सब बच्चे जो हैं स्कूल भी नहीं जा पा रहे हैं और कोचिंग भी सारे बंद हैं, तो इस वजह से हमारी पूरी कोशिश है कि हम आपको घर बैठे बैठे ये सारे जो क्वेश्चंस हैं सारा आपके चैप्टर मैथ का और साइंस का सिलेबस आपको अवेलेबल कराएंगे, ठीक है। और हमारा जो कोर्स है हम आपको क्लास 9th का और क्लास 10th का कोर्स भी अवेलेबल कराएंगे, ठीक है। लेकिन आपने हमारे लिए केवल इतना करना है कि आपने हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है और लाइक और सब्सक्राइब करना है, ठीक है।